बड़ी खबर आ रही है नोएडा से, जहां डीएम ने फैक्ट्री मालिकों को आदेश दे दिया है कि मजदूरों की जो भी तनख्वाह है, जो भी वेतन है, वो सही समय पर दें, और जो भी फैक्ट्री मालिक तनख्वाह देने में लापरवाही करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो नए आए हैं जिलाधिकारी गौतम बुद्धिरकर सुहास एलवाई, जिन्होंने सख्त रवैया अपनाया है, क्योंकि अधिकतर लोगों ने पलायन इसलिए किया कि काम ठप होने के बाद उनकी रोजी रोटी का क्या होगा। तो ऐसे में जो भी फैक्ट्री मालिक है, उनसे साफ कह दिया गया है कि जितने भी लोग उनके वहां काम करते हैं, भले ही अभी फैक्ट्रियां बंद है, लेकिन जो उनके वेतन देने का सही समय है, सही समय पर वेतन मजदूरों को मिल जाना चाहिए। अगर कोई भी फैक्ट्री मालिक इस आदेश को नहीं मानता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो जिलाधिकारी पूरी तरह से सख्त है और नया आदेश दे दिया है। तो लॉकडाउन के दौरान जो लोग अपने